आखिर किस मूवी को लेकर, या फिर यू कह लो कि ऐसी कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है जल्दी, या फिर यू भाई आज ही जल्दी क्या, तो उसका जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस फोरकास्ट है क्या हो सकता है, या एस्टिमेटेड क्या होना चाहिए, किस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, और उसके बाद जनता का क्या रिप्लाई है, क्या रिएक्शन, और जनता क्या कह रही है उस चीज़ पर, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। तो हाल ही में आज रिलीज़ हुई मूवी है तो झूठी मैं मक्कार, और इस मूवी को लेकर भाई लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। इसका मेन रीज़न तो भाई यही है कि इसमें, इस मूवी में सबसे पहली चीज़ है कि सबसे पहली बार रणबीर कपूर और उनके साथ में सामने है श्रद्धा कपूर, जिनकी केमिस्ट्री बहुत ही तगड़ी लोगों को लग रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को मज़ा आ रहा है। भाई जिस तरीके से मूवी का रिव्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, लोगों ने तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पसंद किया है। साथ ही साथ इस मूवी में कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया गया न्यूक्लियर फैमिली वाला। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये होता है कि जिसमें आप, मतलब यानी कि मम्मी पापा और उनके बच्चे, इसमें दादा दादी चाचा चाची कोई इंक्लूड नहीं होता, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। तो ये वाला कंसेप्ट के ऊपर, मतलब देखो एक चीज़ है कि जब थ्रिलर लोगों ने देखा था तो सबको लग रहा था कि रोम कॉम मूवी है, लेकिन भाई रोम कॉम से हटकर ये मूवी है जिसमें थोड़ा सा एक फैमिली टाइप वाला भी जो पार्ट था वो भी लेकर आए, उसमें भी कुछ सीख देने की कोशिश की है। और आपको बता दूं कि देखो श्रद्धा और रणबीर को तो भाई एक्सेप्शनल है, इनकी वजह से मूवी देखने जाना चाहिए, लेकिन मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट, मतलब मज़ा आने जैसा कुछ हिस्सा, जैसे मतलब एक कैरेक्टर है जिनको देखकर आपको मज़ा आ जाए, तो वो अनुभव सिंह बस्सी हैं। भाई बस्सी बीन स्टैंड अप कॉमेडियन, जिस तरीके से उनका पार्ट करते हैं, ऐसा लग रहा है कि बस्सी, मतलब मूवी तो हिट जाएगी ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बस्सी का जो ऑडियंस है, जो क्राउड है, वो भी बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था बस्सी को ऑन कैमरा, ऑन बिग स्क्रीन देखने का, क्योंकि इसके पहले बस्सी ने हाल ही में अपना शो भी जो उनका अमेजोन प्राइम पे ओरिजिनल लॉन्च किया अपना बस कर बस्सी का, तो उस वजह से बस्सी को प्यार तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन बस्सी का जो रोल है, जो कैरेक्टर है, जनता उसको ही बहुत ज़्यादा पसंद करी है। हाल ही में कपिल शर्मा शो पे भी ये लोग अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए आए थे, तो जिस जिसने मूवी देखी, फिर चाहे वो कितने भी बड़े क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स हों, सब ने अच्छी ही आउटपुट दी है मूवी के बारे में, और लोग अनुमान तो यही लगा रहे हैं कि भाई मूवी बहुत बढ़िया चलेगी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो भाई इसमें आपको एक सरप्राइज़ ज़रूर मिलने वाला है, तो बस देख के आइएगा, और अगर मूवी देखने के बाद वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सरप्राइज़ कैसा लगा, क्योंकि एक कैमियो है, और लव रंजन अगर फिल्में बना रहे हैं तो भाई उनकी पिक्चरों में एक कैमियो होना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूँ, देख सकते हो आप ऑर्मेक्स की सिनेमैटिक्स हिंदी में फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस फोरकास्ट तू झूठी मैं मक्कार के लिए जो है वो है 10.6 crore का, यानी कि करोड़ का, लेकिन कोई लिख रहा है 15 crore, कोई लिख रहा है 16 crore, कोई लिख रहा है कि भाई एक और प्रेडिक्शन आपका रॉन्ग होने वाला है, देख लो मज़ा आएगा ये मूवी, इससे ज़्यादा ज़्यादा भी जा सकती है, कोई लिख रहा है 12 to 13 crore अप्रॉक्स। इस बारे में आपकी क्या राय है, आपको कितना लगता है कि फर्स्ट डे कलेक्शन कितना होगा, और साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो देखेंगे और मूवी देखने के बाद देखेंगे तो कैमियो वाला जो सरप्राइज़ है वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर, और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।